मानता की कांग्रेस कमजोर हुई है देश भर में? कमजोर नहीं हुई, कांग्रेस में आपस में कुछ नेताओं में कई है, मध्य प्रदेश को बैठक में ममता बनर्जी नहीं जा रही है। अरे हो गया, 17 तारीख को हो गए, 17 के हो गए, 17 को सब लोग आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, में हूं आपके साथ असलम अब्बास। 3 राज्यों में भाजपा को मिली जीत के बाद से कांग्रेस के सहयोगी दल जो विपक्षी एकता के गठबंधन में शामिल थे वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर दिख रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई वो खबर थी जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को विपक्षी एकता की बैठक बुलाई थी, वो बैठक ही रद्द हो गई है। जी हाँ, उसमें कई नेताओं ने जाने से साफ साफ मना कर दिया था, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात हो या बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या फिर अखिलेश यादव। अखिलेश यादव तो मध्य प्रदेश चुनाव से ही नाराज चल रहे थे और उन्होंने भी इस बैठक में शामिल होने का फैसला नहीं किया था, जिसके बाद कांग्रेस को ये बैठक यानी कि 6 दिसंबर को होने वाली बैठक को रद्द करना पड़ा है। लेकिन तमाम तरह के विपक्षी एकता और के बीच में जिस तरीके से ये बातें हो रही थी उस पर एक बार फिर से पर्दा हटता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, अगली बैठक का जो डेट है वो 17 दिसंबर निर्धारित किया गया है। इसी पर लालू यादव ने यानी जो राजद सुप्रीमो है उन्होंने साफ साफ कहा है कि कहीं कोई विपक्षी एकता में कमजोरी या फिर टूट की खबरें नहीं है, हम सब लोग एक हैं और एक साथ मिलकर भाजपा से लड़ेंगे और भाजपा को हराने का काम करेंगे। राजद सुप्रीमो लालू यादव क्या कुछ बोल रहे हैं विपक्षी एकता के आगामी बैठक को लेकर, जरा सुन लीजिए। मानता कि कांग्रेस कमजोर हुई है देश भर में? कमजोर नहीं हुई, कांग्रेस में आपस में कुछ नेताओं में कई है, मध्य प्रदेश को बैठक में ममता बनर्जी नहीं जा रही है। अरे हो गया, 17 तारीख को हो गए, 17 के हो गए, 17 को सब लोग आ रहे हैं। तो अभी आपने लालू यादव को सुना है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम सब लोग एक हैं और हम सब लोग मिलकर भाजपा को हराने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा और आरएसएस वाले को चलने नहीं देंगे और विपक्षी एकता की बैठक जो 6 दिसंबर को होने वाली थी अब वो बैठक जो है 17 दिसंबर को होगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या 17 दिसंबर के बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे, क्या अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो शामिल होंगे या टीएमसी के सुप्रीमो ममता बनर्जी शामिल होंगे? जितने भी सहयोगी दल हैं क्या सबकी एक राय है या फिर कांग्रेस से बहुत सारे सहयोगी दल नाराज हैं? जिस तरीके से एकला चलो की नीति पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने लड़ने का निर्णय लिया उसके बाद से कई सहयोगी दलों में नाराजगी साफ साफ देखी जा रही है। खास करके जिस तरीके से हार हुई उसके बाद से क्षेत्रीय दलों का रवैया काफ़ी आक्रामक हो गया है। तो आपने लालू यादव के बयान को सुना है, आप क्या राय रखते हैं लालू यादव के इस बयान के बारे में, विपक्षी एकता के बारे में? अगली तारीख जो 17 दिसंबर निर्धारित की गई है, क्या उस समय सब लोग एकजुट हो जाएंगे, क्या मिल बैठकर बातें कर पाएंगे, क्या भाजपा से सब एक लोग साथ लड़ते हुए नजर आएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में जरूर पहुंचाइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आपका धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।